नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जी हां, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार अनकरीब है। जिस दिन भाइयों को बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जाती है और भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का संकल्प लिया जाता है, वहीं जेलों में बंद कैदियों के लिए साल में राखी के एक ही दिन बहनों को अंदर जाकर भाइयों को कलाई पर राखी बांधने का मौका मिल पाता है। लेकिन कोरोना के चलते दूसरे साल भी ये सुविधा जेल प्रबंधक द्वारा निरस्त कर दी गई है। इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद भाइयों की कलाई इस बार सूनी रहेगी। कोविड-19 के चलते इस बार भी बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी। दरअसल कोविड संक्रमण के संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोविड की तीसरी लहर के आशंका के चलते जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए और उसी के चलते सभी तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसी कड़ी में सेंट्रल जेल में राखी के अवसर पर जेल के अंदर राखी के त्योहार मनाने पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके चलते इस बार भी बहनें अपने जेलों में बंद भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध सकेंगी। अगस्त के बाद सर गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है, और अपने यहाँ के जो कैदी रहते हैं वो मूर्तियाँ और आकृति क्या बनाते हैं सर, तो उसको लेकर किस प्रकार की विशेष तैयारियाँ? हाँ, इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो पिछले वर्ष हमारे जो जेल के बंदी थे उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी, मिट्टी की प्रतिमा थी, और गणेश जी की प्रतिमा बाजार में जो गणेश भक्त थे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा ही पसंद की गई थी और उसकी विक्रय भी अच्छी हुई थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान शासन के द्वारा जो बंदियों को कोरोना माफ़ी दी गई है, कोरोना पैरोल दी गई है, उस कोरोना महामारी पैरोल पर अधिकांश बंदी बाहर हैं, और जो बंदी मूर्ति का काम निर्माण का कार्य करते थे वे बंदी भी इस समय पैरोल पर बाहर हैं। ऐसी स्थिति में इस वर्ष जो गणेश महोत्सव के अवसर पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था वो इस बार नहीं किया जा रहा है। सर, चूँकि राखी का भी त्यौहार होने वाला है, और सर राखी को लेकर किस प्रकार की विशेष? ठीक, ऐसी स्थिति रक्षाबंधन के पर्व की भी रहेगी कि पिछले कुछ वर्षों से जो रक्षाबंधन का पर्व था उसमें बंदी भाइयों की जो बहनें हैं वो जेल पर आके बंदी भाइयों को राखी बांधती थी और उनसे जो बुराइयां थी उसे दूर करने का संकल्प बंदी भाई लेते थे और आश्वस्त करते थे बहनों को। इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर इस प्रकार की बंदियों की मुलाकात जो खुली मुलाकात के नाम से जानी जाती है वो मुलाकात प्रतिबंधित कर दी गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए, आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए सामाजिक सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, मास्क अनिवार्य है, और हमारा भी ये उद्देश्य रहेगा, जो प्रशासन का उद्देश्य ही रहेगा कि जो मुलाकात थी खुली मुलाकात रक्षाबंधन की उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार की भीड़ भाड़ जेल के अंदर ना आए, बंदी भाई भी संक्रमित ना हो। अभी हमारे जेल में कोई भी ऐसा बंदी नहीं है जो किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित हो, और एक लंबे समय के बाद लगभग 3 माह ऐसे निकल चुके हमारे कि हमारे जेल में कोई भी बंदी कोरोना पॉजिटिव संक्रमित नहीं है, और ऐसी स्थिति निरंतर बनी रहे इसी संभावना को देखते हमने रक्षाबंधन खुली मुलाकात को हमने प्रतिबंधित किया है। सर, कुछ परिजन मिठाई भी लेके आते हैं कैदियों के लिए, तो सर उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था, क्या मिठाई दी जाएगी अपने द्वारा या जो भी वो मांगते हैं? हाँ, यदि किसी कारण से कोई बंदी की बहन अगर उस पर्व को मनाने के लिए यहाँ आती हैं तो हमारे तरफ से प्रयास किया जाएगा कि हम उनकी जो सामान्य मुलाकात अन्य दिनों में हम करवाते हैं वो सामान्य मुलाकात हम करवा देंगे, और यदि वो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहती है तो रक्षा सूत्र प्राप्त कर लिया जाएगा, यदि वो नारियल और मीठा कुछ देना चाहती है तो निश्चित मात्रा तय कर ली जाएगी, स्थानीय जेल प्रशासन की मीटिंग लेकर तय कर ली जाएगी और वो बंदी भाई को उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक आमने सामने बैठ के बात करने के रक्षा सूत्र बांधने की बात है तो इस प्रकार की व्यवस्था हम नहीं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और